यहाँ पे ना कुछ खाते खाते हम लोग जो है ना खूबसूरत नज़ारे के लिए जिसके लिए हम लोग आए थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं। इधर देखें। ये भूल गई है अपने हाँ पास जी, एक गाय को रास्ता मुझे लग रहा भूल गई नहीं ये नहीं भूलती। ये फिर राजी के घर जा रही है। हाँ जी, पेट पूजा इसकी होगी है ना, अब ये घर जाएगी। इस खूबसूरत नज़ारे को हम तो इस साइड पे बैल जो है वो जा रहा है। तारिक सब बोल रहे हैं कि ये शायद भूल गया। मैंने कहा ये बोलते नहीं है ऐसे ही, ये जंगलों में जान उधर ने। इधर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इतनी खूबसूरत लोकेशन हो और बंदा ठीक ठाक ना हो तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम लोगों ने ना बहुत जो है यहाँ पे इंजॉय किया है, और अभी मज़ीद इंजॉय करने वाले हैं और अपने ब्लॉग को मज़ीद खूबसूरत बनाने वाले हैं। और आप लोगों को ये जगह जो है वो कैसी लग रही है? फ़िलहाल ये एक दिल बना हुआ है और मैं उसमें बैठी हुई हूँ। ये किसी दिल वाले ने ना ऐसे करके दिल बना दिया है, तो ये बना हुआ था, मैं वहाँ से आई, मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो उस साइड पर ये एक पानी का जो है छोटा सा वो तालाब सा बना हुआ है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये ऊपर से पानी जो आता है ना, बारिशों का पानी है, और साथ में इधर उधर जो है यहाँ पे पानी आता है पहाड़ों से भी ना, तो ये वो पानी है। मोहम्मद सुबान मुसलसल खेल रहा है, और फिलहाल हम लोग जो है ना यहाँ पे बैठे हैं और इस मौसम को इंजॉय करें। पिछली वीडियो में हमने बहुत बताया था यहाँ पे हम भूख 3 घंटे सफर करके आए हैं, तो आपको पता है इतना सफर करें तो भूख तो लगेगी। तो लगेगी, और इस व्लॉग में हम लोग कुकिंग करेंगे कुछ खाने कुछ पीने साथ। की हाँ जी, कुछ सादा सा ही कुकिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सहूलतें तो मम्मा नहीं है। घर वो नीचे थे, वो हम लोग इधर नीचे जाती छोड़ आए हैं, तो यहाँ पे हम कुछ अपने खाने पीने के लिए लेकर आए थे, है, इतना खाएंगे कि 3 घंटे सफर करके हम घर लौट वापिस आए। चलेंगे। सुबह कितने बजे निकले थे घर से? सुबह हम लोग निकले थे तकरीबन 9 बजे, 9 बजे, इतना और टाइम था, शाम को 7 बजे हम वापस क्योंकि लौट मैं आए। थोड़ी सी, वैसे तो हमने जल्दी निकलना था, मैं थोड़ी ढीली पड़ गई थी क्योंकि मैं वो पिछला सफ़र कर कर के आई थी ना, तो मैं थोड़ा ढीली थी। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी इतना लंबा सफ़र, ऊपर टॉप पे हमने जाना है, तो ये चीज़, और डर भी था मेरे अंदर ना, हालांकि मैंने पीछे इतना ज़्यादा सफ़र किया भी था, लेकिन फिर ये एक चैलेंज था, इसलिए मैंने इस चैलेंज को जो कबूल किया है, और फिर मैं उस चैलेंज को पूरा भी किया है मैंने ना। तो ये खूबसूरती अपनी फैमिली को हाँ, ये दिखाने की। खूबसूरती अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, तो उम्मीद है कि आपको ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही होगी। काफ़ी व्लॉगर्स भी हैं और काफ़ी लोगों ने बहुत सारी जगहों के टूर किए हैं, दिखाते ओए हैं बहुत। मम्मा हमारा ये मुल्क देख, पाकिस्तान वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और अल्लाह पाक के जो कुदरती नज़ारे हैं उनकी क्या ही बात है, लेकिन ये जगह जो है हमें खूबसूरती के साथ पुरसकून भी लगी है। तो यहाँ की अहम वजह ये है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा खूबसूरत है। ये भाई कोई इधर नहीं आता ना, तो ये ऐसी पुरसकून है, वरना यहाँ पे भी बिल्डिंगें बना दी जाती और वो सारी चीज़ें ना देखना इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, बस खूबसूरती खूबसूरती है। तो अभी हम लोग उठते हैं और चलते हैं, क्योंकि मैं ना थक गई हूँ, इसलिए बैठ गई थी इधर, है ना। ये इधर थोड़ा स्लोप है, इस साइड पे ऐसे ना नीचे जाते हैं। हाँ जी, और ये देखिए तारिक साहब, दिल दिखाएं ये दिल बना हुआ था, बहुत ही प्यारा सा ना। तो यहाँ पे ये सारे हर तरफ आपको यही नज़र आएगा कुछ, मैं अभी मज़ीद नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ से बोर भी हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अपनी खाने पीने की तैयारी करते हैं, भूख जो है वो काफ़ी लग चुकी है, बहुत सफ़र की, आपको पता है सफ़र में इंसान को भूख ज़्यादा लगती है ना, जब बंदा मुसलसल चल रहा हो, तो इसलिए सारा इंतज़ाम करते हैं,
और इसके बाद मिलते हैं आपको कुकिंग वाली जगह पे। अभी कुकिंग वाली जगह हमने ढूंढनी है, कहाँ पे करेंगे। सुबहान इधर जा रहा था ना, वो तो गिर गया, ये उसकी निक्कर सारी ख़राब हो गई है। तो अभी ऊपर पानी है, टूटी लगी हुई है, ये पानी साफ़ नहीं है, ये ख़राब है, तो ऊपर चल के ना इसको धोते हैं। मेरी भी अकल देखो हमारी, कि मैं बच्चे को इतना सफ़र हम जा रहे हैं तो मैं कुछ सामान उठा लेती, कपड़े, अकल ही नहीं काम की। असल में हम इसको लेकर नहीं आ रहे थे ना, उधर ही छोड़ रहे थे, तो फिर ये हमारे पीछे रोने लग गया, फिर हमने उठा लिया, फिर हमें याद ही नहीं रहा कि हम लोग कपड़े भी उठा लें, फिर हम लोग ऐसे निकल पड़े। हाँ जी, ये हमें गिफ्ट मिला, ये गिफ्ट हमें मिला साकिब भाई की तरफ से, ये उन्होंने स्पेशली हमारे लिए तैयार किया है, खसूसी पहले ये बनाया है, और फिर उसके में ना ये सारे गुच्छ जो है ना वो तोड़े, तो वो नीचे बिल्कुल भी नहीं थे। और बच्चे जो है ना वो यहाँ पे आए हुए, देखे इधर दिखाओ, ये देखें, इसको क्या बोल रहे थे आप, डोली, इसको डोली बोल रहे हैं, हम लोग अपनी जबान में ना उधर इसको गडवी बोलते इसके हाथ हैं। चेक करो, ऐसे लाल अभी कलर की शर्माती इसकी हैं ये, वो भी शर्म, भूत बनी हुई है जो अंदर खड़ी है, वो देखो ऐसे उसके खा खा काम, के हाथ मुंह बिल्कुल हाथ लाल हो मुंह जा रहे बिल्कुल हैं। लाल हो चुके हैं, और हम लोग भी ना इसको खा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और क्योंकि अभी ये हमें कहीं और नहीं मिलना है ना, बस इधर ही मिलना है। बिल्कुल, और इधर तैयारी हो रही है हमारी। ये इसके वो नहीं खाओ ना, इसके बीच में बीज नहीं खाओ, बस ऊपर से ऐसे खा के ना बीज निकाल देते हैं, तो उस साइड पे हमारी ना कुकिंग की तैयारी हो रही है, तो ये इनका देखिए चे, ना, हाँ हमारी फैमिली जो है साकिब की विलेज लाइफ को हाँ सपोर्ट कर रही साकिब की विलेज लाइफ, आप सब ने ना साकिब की विलेज लाइफ को जो है ना सपोर्ट करनी है। तो ये दोनों भाई हमारे साथ आए थे, शफीक भाई और साकिब भाई, तो अभी साकिब भाई का भी चैनल जो वो बन चुका है, बस आपने ना, मैं हर व्लॉग में बोल रही हूँ कि आपने इनके चैनल का विजिट ज़रूर करना है। तो अभी जी हमने खाए हैं कुछ, बहुत ही मज़े के थे, और यहाँ पे जो है ना हमारी कुकिंग की तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पर कुकिंग करना मुश्किल भी है और आसान भी है। आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी हर जगह पे मिल जाता है और लकड़ी भी और मिल जाती लकड़ी है। भी मिल जाती है, बस ये कि सामान की थोड़ी सी मुश्किल होती है, सामान वो नीचे से ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ जहाँ पे गए वहीं वहीं पे हमारे रिश्तेदार मिल गए ना, यानी कि जिस फैमिली के पास हम थे ना उनके सारे रिलेटिव्स इधर ही रहते हैं। ये एक्चुअली सारे लोग जो हैं ये नीचे होते हैं, जहाँ पे हम लोग आए थे उधर सिरी में, तो जब ये आता है ये महीना गर्मी होती है नीचे, तो उस वक्त ये अपने जानवर लेकर इधर आ जाते हैं, अक्टूबर अक्टूबर तक इधर रहते हैं, और उसके बाद फिर नीचे चले जाते हैं, इस वजह से। अभी टाइम तो सही है क्योंकि यहाँ पे यहाँ जो है से ये आना पड़ेगा। सारी जो तैयारी है ना वो साकिब की विलेज लाइफ साकिब भाई ने की है, और अभी हम लोग जो है ना कुकिंग हमने काम खुद कर लेते हैं, बाकी तैयारी आपने कर दी है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जी नूडल्स के लिए हमने पानी जो है वो ऊपर रख दिया है चूल्हे पे, तो हमारे पास ये थोड़े ज़्यादा है नूडल्स, तो बर्तन जो है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए हमने कहा दो दो करके बना लेते हैं, पहले ये पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, उबलने लग जाता है, तो फिर उसमें ना हम ये डालेंगे, तो इसको हम ना निकाल लेते हैं पैकेट्स में ना, ये बाकी इसके मसाला जात भी इसमें है। मोहम्मद सुबहान खुश हो रहा है क्योंकि फजर और मोहम्मद सुबहान शौक से खाते हैं। हाँ जी अभी आराम से, अभी उठाओ नहीं इसको, उठाओ नहीं, उठाओ नहीं, खाओ शुक्र कीते। डोली भरी दी एक ए और खत्म पड़ा दे, सुबह को खाओ सर्दी कीते। लग रही है, हाथ गरम कर, ये खत्म हो बहुत गई। ज्यादा लंबे भी ना, वैसे हमने घूंट घूंट पीने पड़ेगी, यहाँ पे चम्मच नहीं है, वो दूसरे भाई चम्मच लाइए भी है, प्लेटें भी हैं, टेंशन नहीं लो। अच्छा सब कुछ लगेगा, सही, वो इधर से हमने मंगवाया ना, घर से नहीं लेकर आए थे, असल में इसका वो था। तो यहाँ पे जो बंदे जो है ना बड़ी मुश्किल से इनको पकड़े, वरना ये कुछ खा खा के ना थकते नहीं है, बस कहते हैं हम लोग कुछ तोड़ते रहें और खाते रहें। अभी इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वो डोलियाँ सी और ग्लास जो हैं वो भर ली हैं, अब ले जाएंगे इनको घर, घर वालों को भी देंगे और ख़ुद भी उधर भी खाएंगे, इधर भी खा खा के मुँह इन्होंने लाल किए हमें, सभी ऐसे हैरान होकर देख रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारा पानी जो है ना वो जैसे ही उबलता है ना, तो फिर हम इसमें ना ये नूडल्स डालेंगे, तो हमने सारे डाल लिए हैं क्योंकि हमें लगा है कि वो बर्तन काफ़ी है, पहले हमने कहा दो दो बनाते, लेकिन अभी सारे इसी में बन जाएंगे। ओए सुबहान को सर्दी लग रही है। हाथ ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं। चलें जी, तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा पानी जो है वो उबलना शुरू हो चुका है, और अभी हम इसमें डाल देते हैं ये नूडल्स। पानी हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि भाई लोग बोल रहे थे कि हमने ना इसका वो सूप पीना है, यानी कि ना इसमें पानी ज़्यादा होना चाहिए, मैंने कहा चलो ठीक हो गया। मोहम्मद सुबहान जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, फैमिली
टाइम जैसे जैसे वो होता जा रहा है ना, तो मुझे डर लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत लंबा सफ़र नीचे करना है। अगर शाम हो गई, रात हो गई, तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए करना, तो बच्चे लोग जो है ना वो फिर लग गए ये इनको इनसे फुर्सत नहीं मिलती, तो अब इसको ना हम ऐसे करके ना हिलाते रहते हैं, और ये ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। बाकी जो है ना उस साइड पे क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, ये लोग जो है ना खूब इंजॉय करते हैं। ये अभी फ्री हो गई ना, इसको मैंने ऊपर ढक दिया ताकि जल्दी इसको वो लगे। यहाँ पे आग जल तो जाती है, लेकिन उस पर खाना काफ़ी टाइम लेकर बनता है। अभी तकरीबन 25 मिनट हो गए होंगे तारिक साहब, है ना, आग जलाते हुए। और यहाँ पे इतनी, वो कम है, ऑक्सीजन कम हाँ है। जी, ऑक्सीजन कम है कहते हैं यहाँ पे, आग जो है ना वो थोड़ा नहीं जलती है, जल जाए लेकिन उसकी वो ये जो है आंच वो सही से नहीं लगती नहीं है। तो यहाँ पे ना अभी तारिक साहब ने अच्छे से आग जलाई है, आगे आगे तक जाए। अब पहले इधर ही लग रही थी ना, अभी हमारे ये ना उबलना शुरू हो चुके हैं। और अब यहाँ पे ना हम इसमें ये वाला मसाला भी डाल देंगे ताकि ना पानी में अच्छे से टेस्ट हो। ऐसे सभी चार का चार बस यही था कि पानी होना चाहिए, सूप पीना है हमने। असल अभी में इधर भूख भी सर्दी, ज्यादा है ना। हाँ जी, भूख भी ज़्यादा है और ठंड भी बन रही है। खेल नहीं रहे हैं, ऐसे लगता है लड़ाई कर रहे हैं। मोहम्मद सुबान लकड़ी काट रहा है, और यहाँ पे हमारे जो नूडल्स हैं ना वो बस, अब मेरा दिल कह रहा है कि हम खाएं भी नहीं और भाग के घर चले जाए। जैसे जैसे वो टाइम ज्यादा हो रहा है ना, और इस साइड से बादल चेक करें कैसे ऐसे ऊपर आ रहे हैं ना, इधर नीचे आ जाए ना, ये यहाँ पे है ना अभी काफी ऊंचे है, ये उस पहाड़ से आ रहे हैं, पानी पी के आ रहे हैं ना उधर से, क्योंकि उधर बर्फ है हम लोग छोटे होते कहते थे कि ये पानी पीने गए हैं। वैसे ये ठीक बात होती है, ये अभी मुझे भी नहीं पता। पानी पीते हैं, बादल पानी पी के कहते हैं फिर जाके बरसते हैं। तो ये हमारी कुकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि आग जो है ना वो बार बार बुझ जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे जो है ये नूडल्स तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको ना उतार लेते हैं नीचे, और उधर भाई जो गए हैं उनको भी बुला लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी टाइम है, बस जल्दी जल्दी से पिए, इतनी ताकत आ जाए कि हम लोग घर पहुँच जाएँ। भूख लगी हुई है इसलिए, ये मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया, क्योंकि सभी ने कहा है कि ना सूप टाइप होना चाहिए। अभी पीछे हटो, ये हमने कटोरियाँ रख दी हैं, बस इनमें डालते हैं, ये डालते जाएंगे, और साथ में थोड़ा थोड़ा सूप। अच्छा जी, ठीक हो गया। मोहम्मद सुबान कह रही कि मामा मुझे पूरी प्लेट भर के देनी है आपने। मैंने कहा चल ठीक हो गया, तारिक साहब बुलाएं, लेट हो रही है। अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका ये अभी गर्म है ना, ठंडा होने दो। मामा जुबान कह रहा है बस आप मेरा उठाएं नहीं, ठंडा कर कर के इसको खिलाते हैं। अभी भाई नहीं पहुंचे, बस मैंने उनका डाल के रख दिया, तो जैसे वो पहुंचते हैं वो भी खाते हैं, और फिर हम लोग निकलेंगे अपने भैया घर के लिए। अभी हमने घर की तरफ निकलना है। हाँ जी, तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है नूडल्स खा लिए हैं, बस दो भाई जो हैं वो नीचे चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, उन्होंने खूब इंजॉय किया, अभी वो खा रहे हैं। तो अभी हमने सारी चीज़ें जो है पैकिंग शैकिंग कर ली, और अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ और भी है ना, तो उनके साथ हम लोग जाएंगे, वो हमें नीचे गाइड करेंगे। तो हमने कहा भाई आप लोग जल्दी आ जाएंगे, आप अभी खाते रहें और हम लोग निकल रहे हैं, टाइम जो है वो काफ़ी कम है। बाकी वी लोग शेयर करते जाएंगे वापसी का भी, और थोड़ा बहुत कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो मोबाइल है उसकी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, 2-3% रह गई। हाँ जी, शेर शेल आ गया है, नहीं आता, चलो आप खुद शेल हो, आ जाए चले। बच्चों की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं रह सकता, लेकिन तारिक साहब बोल रहे हैं ये रह गया, ये अभी कच्चे हैं, टेंशन नहीं ले, वो इधर भी पहुंच जाएंगे। इधर देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, इधर देखिए बहुत ही खूबसूरत और लजीज लजीज फल इसको कहेंगे हम। इधर देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत लग रही है, कच्चे हैं ना, इसको हम नहीं तोड़ेंगे, बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में पक्का जो है मैं ले लेता हूँ, ठीक हो गया। जैसे ये एक दाना है, ये हाँ जी ले लें आप, मैंने काफ़ी खाए हैं, बाकी फैमिली खाऊंगी, जंगल में घूमना हो जाए सही अभी
अभी जी हम लोग काफ़ी सफ़र करके ना यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा जो है वो काफ़ी ठंडी लग रही है। इस साइड से ये झरना गुजर रहा है ना, इस वजह से फिर वो ठंडी हवा है, पानी इधर इस साइड पे है सारा। थोड़ी देर हमने कहा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि ये बंदा रेस्ट करते हुए जाए ना तो फिर ज़्यादा ही थकावटी होती, मुसलसल नहीं चल सकते। और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है,